देखो थंबनेल में ऑर्गेजम लिखा है, तुम इसका मतलब जानते हो, भले ही तुम्हें कभी आया हो या ना आया हो, पर तुम्हें पता है मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है कि मूवी देखने से पहले तुम बाथरूम जा रहे हो। नहीं भाई, थोड़ा मैंने मेटाफेरिकली इसको इस्तेमाल करा है, मेटाफर समझो तुम। मूवी की बात करते हैं, मूवी तुम्हें फुल ऑन एंटरटेनमेंट, फुल ऑन मजा देगी। जितना एक्शन है इसमें उतना किसी और मूवी में है ही नहीं। मूवी 2 घंटे की है, लेकिन 2 घंटे तक ये तुम्हें बिल्कुल भी बोर नहीं करेगी, एक भी सेकंड बोर नहीं करती, क्योंकि कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा हो रहा है मूवी में। मूवी भले ही नाम लेती हो गॉडजिला और कॉन्ग का, बट इसमें हर कुछ टाइम के बाद एक नए नए क्रिएचर, नए नए मॉन्स्टर आ जाते हैं बीच में और लड़ रहे होते हैं वो। उनकी लड़ाई देखने में अलग ही सुकून आ रहा है आंखों को। हालांकि ये एक फैंटेसी मूवी है, तो लॉजिक तो सोचोगे जी, तुम लॉजिक लेके क्यों जाओगे? और लॉजिक देखना है तो तुम्हें किसी और मूवी में देखो, लॉजिक थोड़ा ना देखने आए हम यहाँ। हमारी इस मूवी से एक्सपेक्टेशन थी कि हमको गॉडजिला और कॉन्ग की लड़ाई देखने को मिलेगी, उन दोनों के अराउंड जितनी भी भसड़ मच रही है वो हमें मजा देती है, और एक्सपेक्टेशन पे खड़ा होती है ये मूवी। जो हम एक्सपेक्ट करते हैं ना वो डिलीवर भी करती है ये, बल्कि उससे ज़्यादा ही दे देती है भाई जी ये। बीच बीच में इंसान बह जाते हैं बकबक करने के लिए। अब ज़रूरी है उनको डालना था कि कहानी आगे बढ़ पाए, कहानी सुन पाए हम, क्योंकि वो दोनों तो आपस में चिल्लाते रहते हैं और चिल्लाहट हमको समझ आएगी नहीं, तो इंसान जानबूझ के डाले गए हैं। मूवी को पता है कि इंसानों को क्यों रखा गया, पर जब भी स्क्रीन पर इंसान आ रहे हैं ना तो हमको मज़ा नहीं आ रहा। हम चाहिए थे हटा दो इन इंसानों को, सिर्फ मॉन्स्टर दिखाओ बस, उन दोनों के पीछे क्या चल रहा है, क्या रोमांस चल रहा है वो दिखा दो यार भाई, तुम ये इंसानों को हटा दो यहाँ से। हम मूवी को पता है, मूवी को अपनी औकात पता है, औकात के अनुसार चलती है मूवी, इसलिए हमको पूरा मज़ा देख के ही छोड़ती है। और हाँ, पहले एक सवाल तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि ये मूवी देखने के लिए मैं कुछ कुछ और मूवी देखने की ज़रूरत है मुझे? देखो अगर तुम्हें स्टोरी लाइन में इतना घुसना नहीं है तो सीधे देख लो, तुम्हें मज़ा आ जाएगा। ठीक है, बहुत हल्की मूवी है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इसमें, फुल टाइम पास दे दे वैसी वाली मूवी है ये। फिर भी अगर तुम्हें इसकी स्टोरी लाइन समझनी है तो 2-3 मूवीज है, जैसे गॉडजिला की एक मूवी आई थी 2014-15 में वो देख लेना, एक कॉन्ग की मूवी आई थी वो देख लेना, एक गॉडजिला और कॉन्ग के बीच में गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग वाली मूवी है वो देख लेना, तो और ज़्यादा इसकी स्टोरी तुम्हें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। इसमें जो हॉलीवुड दिखा रही है, नई मूवी जो आ रही है अभी रिलीज हुई है जिसकी बात कर रहा हूँ, उसमें हॉलीवुड दिखा रखी है, थोड़ा वो वाला कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए तुम ना वो पुरानी मूवी देख सकते हो। कॉन्ग वाली मूवी में हमें ज़्यादातर कॉन्ग ही दिखाया जाता है, क्योंकि कॉन्ग की स्टोरी लाइन को और ज़्यादा एक्सपेंड कर रही होती है ये। गॉडजिला कम ही दिखता है, बट जितनी बार भी दिखता है, एक तो भाई उन्होंने इसको गुलाबी बना दिया, गुलाबी गॉडजिला। गुलाबी गॉडजिला मतलब गुलाबी नहीं है वो, उसकी सिर्फ जो स्पाइक्स है पीठ पे ना वो गुलाबी है। इतना रोमांटिसाइज कर रखा है ना गॉडजिला को कि तुम्हारी आंखों से ऑर्गेज्म आएगा ही आएगा। मेटाफर है ये, ठीक है, सीरियस मत हो जाना इसमें कि बस तुम क्या ही कुछ सोचने लगे हो। मतलब जिन बंदों को ना वो बॉलीवुड का वो एक्शन पसंद आता है, वो मासी नहीं कहते, मासी मूवीज बन रही हैं, वैसी मूवी है ये। और अभी भी तुम सोच रहे हो तुम्हें देखने के लिए देखनी है, तो 22K की जवाब है हाँ, देखनी चाहिए। 2 घंटे की मूवी है, 2 घंटे पैसा वसूल है, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कि 2 घंटे कब खत्म हुए। जितनी हाई क्वालिटी में देख सकते हो देखना, जितनी बड़ी स्क्रीन पर देख सकते हो देखना, मजा देगी। और अगर तुमने देख दिया तो मुझे बताओ कि तुम्हें कैसी लगी, कमेंट सेक्शन तुम्हारा ये है, जो मन में आ रहा है बक दो, किसको फर्क पड़ता है। चलता हूँ अगले वीडियो बनाने के लिए, टिल देन गुड बाय।